अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। तो भैया चुनाव खत्म हो गए, 7 चरणों में मतदान हुआ, भीषण गर्मी पड़ रही थी। इस गर्मी में लोग घर से निकल रहे थे और जाकर अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। गर्मी की वजह से ना जाने कितने लोग तो वोट देने भी नहीं गए, शायद इसी वजह से वोट प्रतिशत कम रहा, मतदाता गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकले। अब ये मत का प्रतिशत क्यों कम रहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम तो रहा पिछली बार की तुलना में, ऐसी खबरें सामने आई हैं। अब भैया रिजल्ट आना है 4 तारीख को, 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में नेताओं ने जमीन पर मेहनत की है, क्या मुद्दों को उठाया है? सवाल यही है कि सभी दलों की रणनीति क्या रही है, किस रणनीति के तहत काम किया गया है। तो सभी दलों की रणनीति पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर। नतीजों की कसौटी पर सबसे अधिक भाजपा की चुनावी तैयारियों को कसा जाएगा। सियासी पंडितों का भी मानना है कि नतीजे से सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं होगा, बल्कि भाजपा की रणनीतिक कौशल और तैयारियों की भी परख होगी। इसकी वजह भी है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने ही किए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा ने बूथ से लेकर राज्य स्तर तक कई कार्यक्रम चलाए। बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख, युवा, महिला, किसान, अधिवक्ता और प्रबुद्धों के सम्मेलन तो किए ही, संवाद भी खूब किए गए। बता दें कि अन्य दलों की तुलना में चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिख रही थी। भगवा ब्रिगेड ने 1 साल पहले से ही सभी लोकसभा सीटों पर जनता से संपर्क करने के लिए 45 से अधिक तरह के संपर्क, सम्मेलन, संवाद और बैठकों के कार्यक्रम शुरू कर दिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग की युवा, महिला और पुरुष मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई। संपर्क अभियानों के अलावा भाजपा ने सांसदों के टिकट काटने से लेकर 2019 में हारी हुई सीटों, कम मार्जिन से जीती सीटों के लिए अलग रणनीति तैयार की। कई सीटों पर जातीय समीकरणों को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों के मौजूदा सांसदों को तोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया। ऐसे में अब चुनाव के नतीजों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही भाजपा की साख की भी परीक्षा होनी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए मोहन यादव को मैदान में उतारा तो सही, लेकिन इन्हीं के प्रत्याशी ने नंदवंश के नाश की कसम खा ली। अब भैया बताइए, जब कसम खाएंगे तो समाज नाराज नहीं होगा? अब यादव समाज नाराज हुआ कि नहीं हुआ ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन कसम खाकर कहीं ना कहीं इन्होंने गाजीपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो जरूर पहुंचाया है। बात अगर गाजीपुर की करें तो गाजीपुर के समीकरण के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग कितना कारगर रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने मजबूत नेताओं को पीछे छोड़ दिया, उन नेताओं को पीछे छोड़ दिया जो भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों को मजबूत कर सकते थे? भारतीय जनता पार्टी ढंग से जानती होगी कि गाजीपुर का समीकरण क्या है, क्यों गाजीपुर की सीट इतनी टफ हो जा रही है, क्यों अफजाल अंसारी से चुनौती इतनी टफ हो जा रही है। उस समीकरण के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पास नेता थे मैदान में उतारने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नहीं जीत पाती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा, और सवाल ये भी रहेगा कि इस हार की जिम्मेदारी लेगा कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह या कोई और? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम योद्धाओं को मैदान में उतारा है लड़ाई लड़ने की, अब तो साख का सवाल है कि सीट जीतना ही जीतना है। अब बात समाजवादी पार्टी की करें, अफजाल अंसारी की करें, तो उनके ऊपर तमाम मुकदमे हुए, तमाम आरोप लगाए गए, कहा गया कि वो तो जनता के बीच में जाते ही नहीं हैं, वो कहते रहे कि हमने सड़कें बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी आरोप लगाते ही रहे कि ये माफिया हैं, इनका परिवार माफिया है और माफियाओं को नहीं जिताना है। तो वहीं अफजाल अंसारी लगातार जनसंपर्क करते रहे, लोगों से मिलते रहे, जो उनके वोटर हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं उनसे भी मिलते रहे और अपने वोट बैंक को मजबूत करते रहे। अब चुनावी पंडितों का कहना है कि अफजाल अंसारी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन यदि अफजाल अंसारी इस चुनाव को हार जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा कि क्या अब अफजाल अंसारी की साख फीकी पड़ती जा रही है, क्या मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में ना रहना या जिंदा ना रहना अफजाल अंसारी के चुनाव पर फर्क डालेगा, या मुख्तार अंसारी से जुड़ी जो संवेदनाएं हैं वो अफजाल अंसारी को इस चुनाव में जीत
दिलवा देंगी। समाजवादी पार्टी के जो कोर मतदाता हैं उनसे भी बड़ा सवाल है, भैया मारपीट क्यों करते हो, हंगामा क्यों करते हो? इस देश को चलाना है, शांति व्यवस्था स्थापित करनी है, विकास करना है, तो ऐसी विचारधारा करने से क्या फायदा? कुछ वीडियो हमारे पास आए, उस वीडियो की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन आरोप यही है कि इन लोगों ने इनके पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो इनके ऊपर एक विशेष, जो समाजवादी पार्टी के विशेष कोर वोट बैंक वाले हैं, उन लोगों ने हमला कर दिया और हमला करके इनको घायल कर दिया। आप देख लीजिए वीडियो में। तो 4 जून को जब परिणाम आएगा तो सुबह से ही आप हमारे साथ जुटे रहिएगा, हम लगातार आपको परिणाम दिखाते रहेंगे, सारे सीटों का सही आकलन दिखाने की हर संभव कोशिश करेंगे। भ्रम फैलाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम आपके सामने सत्य को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।